जन्नत को शायद बुरा लग गया होगा। एक्सक्यूज मी, यस, यहाँ पे एक ब्लैक स्कार्फ था, मुझे खरीदना है, कहाँ गया वो? सॉरी सर, वो तो बिक चुका है। सर वो लाल वाला दिखाऊं आपको? नहीं, थैंक यू। शायद आप यहाँ हैं? मैं आपको वहां देख रही थी। कुछ पसंद आया आपको? जी नहीं। मुझे भी नहीं, कहीं और चलते हैं। लतीफ, लतीफ, पता नहीं कहाँ मर गया। जी, हम यहाँ हमारे पैसों के लिए आए हैं। कौन से पैसे? वो गोल्ड चेन, परफ्यूम्स, वो इंपोर्टेड कार। लेकिन उसके पैसे तो मैंने आप लोगों को भिजवा दिए। माफ करें, लेकिन जो कार आपने भिजवाए थे वो कोई भी काम नहीं कर रहे। काम नहीं कर रहा, ऐसा कैसे हो सकता है? अब हम आपको कैसे बताएं? हमें तो बस इतना पता है कि आपका दिया हुआ एक भी कार्ड चल नहीं रहा है, और हमें तो हमारे पूरे पैसे चाहिए। देखिए बेगम साहिबा, आप बड़े लोग हैं, आपके लिए छोटी मोटी रकम होगी, लेकिन हमारे लिए ये बहुत बड़ी रकम है। और एक कमबख्त, तुम लोगों को पता भी है कि तुम लोग किससे बात कर रहे हो? अरे ये वो है, वो आफते जान। हाँ, आफते। बेगम साहिबा है, बेगम साहिबा। कहाँ की? भोपाल की। और कहाँ की? अरे तुम लोगों को पता भी है कि ये भोपाल की बेगम साहिबा है। इनका कारण काम ना करे ऐसा हो ही नहीं सकता। आप लोग यहीं रुको, मैं पैसे लेकर आती हूं। ये सब आहिल जी का काम है। मेरी इतनी बेइज्जती करवाने के बाद भी उनको सुकून नहीं मिला, उनकी वजह से सबके सामने इस बेगम साहिबा की इज्जत उछलेगी। क्या मैं आपका गिटार यूज कर सकता?
प्लीज अलाउ मी. थैंक यू. Why don't you join me? शायद ये गाने की आवाज बहुत जानी पहचानी लग रही है मुझे. अभी अभी आप गाना गा रहे थे क्या? नहीं, वो एक कस्टमर था. कस्टमर कौन, कहाँ, कहीं गया वो? वहाँ नीचे रेस्टोरेंट में चला गया. थैंक यू. एक्सक्यूज मी. यस. अभी अभी ऊपर कोई गाना गा रहा था तो वो नीचे हैं क्या? इसी टेबल पे बैठे थे, शायद चले गए. ओके. मैंने आपको पिछली ईद पे दो सलवार सूट के पैसे दिए थे जो आपने अभी तक मुझे लौटाए नहीं. अगर वो लौटा देती तो अच्छा होता. क्यों, मैंने भी तो तुम्हारे हाथ में मेहंदी लगाई थी है? तो हिसाब बराबर. अरे वो तो सिर्फ एक हाथ में लगाई थी बस. हाँ. तुमने अपना एक हाथ देखा है? 10 हाथों के बराबर है. उसके हिसाब से तो मैंने तुम्हें कितनी सारी मेहंदी लगाई. निकाल पैसे, निकाल. देखो मेरे फिगर को नजर मत लगाओ, समझी ना? अच्छा, और तुम ना मेरे मियां पर नजर मत लगाओ, मैं मारूंगी ना तुम्हें. अल्लाह, आलू है जो मेरे फिगर पे डोरे डालती रहती है. अरे छुट्टे. अरे देखिए आंटी. अल्लाह, आप अपना झगड़ा बाद में करते रहना, प्लीज हमें हमारे पैसे दिलवा दीजिए. क्या पैसे 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 कर रहे हो हैं? इतनी सी बात के लिए घर तक पहुंच गए? अरे इतने से पैसे तो हमारी बेगम से खैरात में बांट दे. वैसे किसके लिए लिए थे पैसे बेगम साहिबा ने? खाला है? जरा रूम में आना. वो इतने सारे पैसे गिने नहीं जा रहे, जरा आके मेरी मदद कराओ. आ रही हूँ.
वो कमबख्त मारा आकर देखती हूँ तुझे मैं। जी बेगम साहिबा, ये सब लोग बाहर आके खड़े हुए हैं और मैं एक बहुत जरूरी काम छोड़कर आई, मुझे थोड़े से पैसे चाहिए। हाँ। पैसे? कैसे पैसे? नहीं, मेरा मतलब है इतने पैसे मेरे पास कहाँ से आए? मैं इनकी पूरी कीमत नहीं मांगी, उससे थोड़े से पैसे मांग रही हूँ ताकि मैं इन लोगों का मुंह बंद करा सकूँ और ये लोग यहाँ से जा सके। मेरे पास तो जहर खाने के लिए भी पैसे नहीं है। जहर खाने के लिए मैं तुम्हें पैसे देती हूँ या मैं मुफ्त में खिला दूंगी तुम्हें जहर? इतने दिनों से हर काम के लिए मैं तुम्हें पैसे दे रही हूँ, वो पैसे खा है? वो पैसे? वो खो गए। खो गए? कहाँ खो गए? तेरे पैसे कहाँ खो गए? जल्दी बताओ कहाँ रखे पैसे? पता नहीं कहाँ खो गए, किचन में तो सिर्फ हम लोग खाना खाने के लिए जाते थे। यहाँ पे कुछ नहीं, कुछ नहीं है यहाँ पे। आप क्यों, आप क्या नहीं, कुछ नहीं है, सिर्फ प्याज गाजर लटक रहे हैं। कुछ नहीं है बेगम साहिबा, कुछ नहीं है वहाँ पे। बेगम साहिबा, क्यों? वो मेहनत की कमाई है। अभी इतने पैसे रख लीजिए, शुक्रिया। बाकी के पैसे मैं बाद में भिजवाती हूँ। बेगम साहिबा, मेरे पैसे। इतनी महंगी गाड़ी है, इतना सारा कैश घर पे नहीं है, अभी ये रख लीजिए। शुक्रिया। काम का वक्त बर्बाद कर दिया। रानी बेगम साहिबा चाहे जैसी भी थी लेकिन कभी हमें पैसों की कमी नहीं होने दी। और एक ये है भूतनी लुटेरी कहीं की, मुफ्त कोरों की कमाई मुफ्त में ही जाती है। Excuse me. Hi. हमारे लिए टेबल साफ करेंगे प्लीज। इसे रहने दीजिए। थैंक यू जन्नत। किसी का यूज किया हुआ टिश्यू है यार। ये किसी का यूज किया हुआ टिश्यू नहीं है, किसी की मोहब्बत का पैगाम है। ये देखिए कैसे एक ही नाम को बार बार लिखा हुआ है। ऐसा लगता है जैसे ये शख्स अपनी मोहब्बत को पहचानने की, उसे ढूंढने की कोशिश कर रहा हो। बहुत कम लोग होते हैं शायद ऐसे जिनकी मोहब्बत से किसी और के दिल में खसक पैदा हो। ऐसी चीजों को तो संभाल के रखना चाहिए। क्या हुआ? कभी बहुत अजीब हरकतें करती हो ना, जानती हूँ मैं, ऐसी हूँ मैं। आप जैसी भी हैं, मेरी है। Excuse me, you want to make a sketch for 500 rupees? No, thanks. Excuse me. Hi. Hi. My name's Shah. That's my wife, Jannat. Inka ek sketch aap bana sakte hai, inka? Kya, you joke? How can you say this? क्या हुआ उसे, वो ऐसे बात क्यों कर रहा था? I have no clue. I mean, तुम आर्टिस्ट लोग को जानते हो, like mood swing हो गया होगा। ये तुम्हारी नई गाड़ी की खुशी में। चलिए अब तो सच बता दीजिए,
कौन सा सच? यही कि आप आहिल के साथ क्यों नहीं गए? कहा ना, तुम्हारी याद जो आ गई, तुमसे दिल जो लगाया है, और एक बार किसी के साथ दिल लग जाए तो उसके बिना ये दिल कहीं और नहीं लगता। लेकिन उस दिन तो आप वो क्यों नहीं खुल रहा है? कौन आ गया बनने? मैं नहीं जाऊंगी, उन्हें मेरे समोसे भी ले सकती। मैं भी आई। डॉक्टर ने कहा है टाइम पे दवाई लेना, मैं अभी जाता हूँ, जल्दी लाता हूँ, आई प्रॉमिस। कोई जरूरत नहीं है जन्नत, प्लीज आप ये रखिए और आराम कीजिए, मैं अभी दवाई लाता हूँ, प्लीज जल्दी आइएगा, आई प्रॉमिस। Yeah, you joke? How can you say this? Excuse me. Hey, please go, man. Listen to me. Aaj subah this morning, when I came to you, aapse sketch banwane ke liye bola tha. I asked you for the sketch, yeah, of my wife. Aapne na kyun bola? Why? Tumhe kya lagate? Main pagal hoon? Do aadmi, ek saath, ek woman. Lekin wo meri biwi hai. She's my wife. Koi hame yahan janta bhi nahi hai. What are you talking about? So you don't believe me? I will show you. मैंने खरीदे, अल्लाह ने मुझे खूबसूरती के साथ साथ अकलमंद भी बनाया है, तो समझदारी इसी में है कि बुरे वक्त के लिए थोड़े पैसे बचा लिए जाए। तुम्हारी तरह नहीं कि जितने भी आए डकार जाओ। सुन, मुझे देना थोड़े से चीप चीप। अगर मैं तुम्हें दे दूंगी तो फिर अपने फिगर को मेंटेन कैसे करूंगी? अल्लाह, मैं तो हुई छुई मुई। देना जा रे। दे मुझे। अरे दे मेरे चित्ते, मैं नहीं दूंगी, समझी ना? गुस्से और लड़ाई से कभी किसी परेशानी का हल नहीं निकलता। देखिए ना, लड़ाई करने से अच्छा था कि खाला शांति से ये सोचते कि इस पैसों की परेशानियों से कैसे निकला जा सके। और लतीफ भी अगर खाला के साथ मिल बांट कर चिप्स खा लेता तो दोनों की भूख भी शांत हो जाती और इस परेशानी से निकलने के लिए वो बेहतर आइडिया भी सोच सकते थे, है ना? सिंपल होगा ही। हमारे पेठा वाला परिवार में ऐसी बड़ी से बड़ी परेशानियां बस चुटकियों में गायब हो जाती है, क्योंकि दोस्त भी हम, परिवार भी हम, हर मौसम में साथ हैं हम। तो हमारे पेठा वाला परिवार से जुड़ना मत भूलिएगा, सोमवार 11 मई शाम 7 बजे।